राजस्थान के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करने वाले जितने भी गुर्गे हैं आपस में ही एक दूसरे को मारने का प्लानिंग कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करने वाला गैंगस्टर रोहित गोदारा, जिसको लेकर राजस्थान पुलिस ने एक ऐसी जानकारी निकाल कर सामने लाई है जिस जानकारी को जानने के बाद आप लोगों का भी दिमाग हिल जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार किस तरह से गैंगस्टर रोहित गोदारा, जो कि राजस्थान के अंदर कई तरह का कांड करा और अब तक वो राजस्थान पुलिस के साथ धोखेबाजी ही कर रहा है, तो आज के इस वीडियो में तमाम बातों का चर्चा करेंगे। दोस्तों दिल थाम के बैठना और वीडियो को पूरा देखना। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों रोहित गोदारा के बारे में बताया जाता है उसने राजस्थान के अंदर 32 से ज्यादा अपराध करा है। उसके खिलाफ राजस्थान के अंदर 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके बावजूद भी राजस्थान पुलिस गैंगस्टर रोहित गोदारा को नहीं पकड़ पा रही है। रोहित गोदारा के बारे में बताया जाता है वो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथियों में से एक है। साथ ही साथ वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संचालन भी करता है। बताया जाता है राजस्थान के अंदर कई तरह की वारदात को अंजाम देने के बाद रोहित गोदारा, जो कि राजस्थान पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर विदेश भाग गया। लेकिन दोस्तों जय और वीरू की दोस्ती की तरह बताया जाता है रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर का भी दोस्ती था। राजस्थान के अंदर ऋतिक बॉक्सर भी कई तरह का कांड करा और रोहित गोदारा भी बहुत तरह का कांड करा और बताया जाता है बाद में रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर दोनों के बीच आपस में ही लड़ाई हो गया। हालांकि आपको बता दूं रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ही काम करता था। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर बताया जाता है एक तरफ रोहित गोदारा चाहता था कि उसका दबदबा रहे तो दूसरे तरफ ऋतिक बॉक्सर चाहता था कि उसका दबदबा रहे और इस वजह से बताया जाता है ऋतिक बॉक्सर और रोहित गोदारा के बीच आपस में लड़ाई हो गया था। बाद में दोस्तों मन मुटाव का भी मामला निकल कर सामने आया था। लेकिन ऋतिक बॉक्सर के बारे में बताया जाता है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर के जी क्लब के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग कराया था, जिसके बाद ऋतिक बॉक्सर को राजस्थान पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों ऋतिक बॉक्सर का तो खेल खत्म हो गया। लेकिन अब बताया जाता है गैंगस्टर रोहित गोदारा, जो कि अब तक राजस्थान पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है, बताया जाता है गैंगस्टर रोहित गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करा गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी, राजस्थान पुलिस ने रोहित गोदारा पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित करा है। बताया जाता है रोहित गोदारा का जो भी पता बताएगा उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन अब दोस्तों रोहित गोदारा के बारे में जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसको जानने के बाद आप लोग भी दंग रह जाओगे। बताया जाता है रोहित गोदारा जो कि आज के समय में विदेश में है और हाल ही में राजस्थान पुलिस ने रोहित गोदारा का लोकेशन भी ट्रेस करा है। रोहित गोदारा के बारे में बताया जाता है 13 जून 2022 को वो दिल्ली गया था और दोस्तों दिल्ली जाने के बाद पवन नाम से उसने एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया और 2 दिनों बाद यानी कि 15 जून 2022 को वो इंडिया छोड़कर दुबई भाग गया था। बताया जाता है दिल्ली से दुबई जाने के बाद रोहित गोदारा दुबई में ही प्लानिंग कर रहा था। बताया जाता है कुछ समय तक वो दुबई में ठहरा, फिर दुबई से वो कतार चला गया और कतार में कुछ समय तक रहने के बाद वो दक्षिणी पूर्वी यूरोप के कंट्री सर्बिया में भागकर छिपा हुआ है। बताया जाता है सर्बिया के अंदर पिछले कुछ दिनों से रोहित गोदारा जो कि मौज मस्ती कर रहा है और वहीं से दोस्तों वो कई तरह का कांड भी करवा रहा है। अभी कुछ समय पहले की बात है, जब आप लोगों को पता होगा दिसंबर 2022 में राजस्थान का सनकी गैंगस्टर राजू ठियाट को दिन दहाड़े राजस्थान के सीकर के अंदर गोलियों से भून दिया गया था, जिसके हत्या का जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ही लिया था। दोस्तों रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम तो करता ही है, साथ ही साथ वो राजस्थान पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। बताया जाता है रोहित गोदारा को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस हर तरह का कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार राजस्थान पुलिस नाकामयाब निकल जा रही है। दरअसल बताया जाता है राजस्थान पुलिस को जब से रोहित गोदारा का लोकेशन मिला है उसके बाद से राजस्थान पुलिस बहुत ज्यादा खुश है। अब आप कह सकते हो कि राजस्थान पुलिस के सामने रोहित गोदारा को गिरफ्तार करने के लिए उम्मीद का एक किरण जगा है और राजस्थान पुलिस इस बात से भी बहुत ज्यादा प्रसन्न है कि शायद रोहित गोदारा को वो लोग पकड़ ले। लेकिन दोस्तों रोहित गोदारा के बारे में जिस तरह से जानकारी निकल कर सामने आई है कि वो दक्षिणी पूर्वी यूरोप के कंट्री सर्बिया में मजे कर रहा है, तो क्या राजस्थान पुलिस सर्बिया पहुंचेगी? तो बताया जाता है एक टीम का गठन करा जाएगा जो टीम की राजस्थान से सर्बिया पहुंचेगी और सर्बिया से गैंगस्टर रोहित गोदारा को गिरफ्तार करा जाएगा। वैसे रोहित गोदारा के खिलाफ 32 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। बाकी और भी बताया जाता है रोहित गोदारा जो कि राजस्थान के अंदर खतरनाक वाला प्लानिंग भी कर रहा है, वो राजस्थान पुलिस को भी परेशान करने का साजिश रचा था। और दोस्तों जिस तरह से गैंगस्टर राजू ठियाट को मारा गया था, राजू ठियाट की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में खलबलाहट आ गया था। चारों तरफ लोग रोहित गोदारा का ही चर्चा कर रहे थे और बाद में दोस्तों रोहित गोदारा के बारे में ये खबर निकल कर सामने आया था वो जो कि दूसरे देश में था। लेकिन अब दोस्तों जिस तरह से रोहित गोदारा का लोकेशन ट्रेस करा गया है, लोकेशन ट्रेस होने के बाद अब देखते हैं राजस्थान पुलिस आगे क्या करती है। फिलहाल मैंने इस वीडियो में एक बात और भी चर्चा करा था रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर के बारे में। तो दोस्तों दोनों के बारे में बताया जा रहा था कुछ समय पहले दोनों के बीच मनमुटाव हुआ था,
दोनों में से दोनों चाहता था कि राजस्थान के ऊपर केवल उन्हीं लोगों का दबदबा हो, उन्हीं लोगों का राजस्थान के अंदर दादागिरी चले, जिस वजह से एक तरफ ऋतिक बॉक्सर ने राजस्थान की राजधानी जयपुर के जी क्लब के अंदर फायरिंग करवाया तो दूसरे तरफ रोहित गोदारा ने गैंगस्टर राजू ठेठ का कत्ल करवा दिया। एक तरफ रोहित गोदारा चाहता था कि उससे लॉरेंस बिश्नोई खुश हो जाए तो दूसरे तरफ ऋतिक बॉक्सर चाहता था उससे लॉरेंस बिश्नोई खुश हो जाए। दोनों को यह लगता था कि अगर हम लोग लॉरेंस बिश्नोई को खुश करते हैं तो क्या पता लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो आज के समय में संचालन कर रहा है गोल्डी बरार, जो कि ऋतिक बॉक्सर या फिर रोहित गोदारा दोनों में से किसी एक को राजस्थान का दादा बना दे। तो इस तरह से दोस्तों दोनों में से कोई भी राजस्थान का दादा तो फिलहाल नहीं बन पाया और अभी भी आप कह सकते हो कि राजस्थान पुलिस जो कि राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा सख्त है। राजस्थान पुलिस का यही कहना है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से ये तमाम गुंडे आतंक मचा रहा है, जिस तरह से ये लोग बदमाशी कर रहा है, तो इन तमाम बदमाशों का बदमाशी तो हम लोग निकालेंगे। बाकी दोस्तों राजस्थान पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा चुनौती है कि राजस्थान पुलिस रोहित गोदारा को गिरफ्तार कर ले। ऋतिक बॉक्सर तो गिरफ्तार हो ही चुका है, तो आगे देखते हैं क्या क्या जानकारी निकल कर सामने आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यदि आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाकी दोस्तों कभी भी आपराधिक काम नहीं करना, अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।